তো রাত্রে এখানে টেন্ট লাগিয়েছিলাম একটা মন্দিরের বারান্দা, এটা মন্দির, কালী মন্দির, শিবমন্দির। আর রাত্রেবেলায় মোটামুটি 2:30 নাগাদ অর্থাৎ আওয়াজ টাওয়াজ অনুভব করতে শুরু করেছিলাম, যে কিছু একটা হল্লা চিল্লা টাইপের হচ্ছে আর কি। তো সকালবেলায় উঠে দেখি যে এখানে বাজার বসেছে। এখন যাচ্ছি গুয়াহাটি থেকে নোয়াগাঁওয়ের দিকে, নোয়াগাঁও হয়ে তেজপুরের দিকে যাব। তেজপুর এখান থেকে 147 কিলোমিটার, আর নোয়াগাঁও ওখানে দেখাচ্ছে 89 কিলোমিটার, আর এখানে দেখাচ্ছে 62 কিলোমিটার। অদ্ভুত ব্যাপার। যাই হোক, আমি যাচ্ছি ওদিকেই, দেখি কোথায় যাই কোথায় থামি। अभी जा रहे हैं ना गांव होते हुए तेजपुर के तरफ, शायद और आगे के 4-5-6 दिन के अंदर हम अरुणाचल प्रदेश घुस जाएंगे, उसके बाद आएगा मज़ा। दिमाग में अभी फिलहाल तवांग पास घूम रहा है ना, तो बाकी चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा है। तवांग पास को पहले कर लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों में मज़ा आएगा। आसाम भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्लेस है, खूबसूरत भी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर दिमाग में मेरे तवांग पास घूम रहा है, तो बाकी का चीज़ें अभी अच्छा नहीं लगने वाला है। सो चलते हैं। अभी नागांव की तरफ जा रहे हैं, और आज धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप में काफ़ी परेशान कर रहा है। इतना ठंडी का मौसम में इतना गर्मी होना सही बात नहीं है। खैर जो भी हो, चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। सुबह से अभी तक लगभग 64 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी लगभग 2 बजने वाला है। हाँ, ये खूबसूरत सा पेड़ को देख कर यहाँ पर रुक गए 2 मिनट, अच्छा लग रहा है। दो पेड़ है, कृष्ण चौड़ा फूल के बोलते हैं। अभी यहाँ से निकलने वाले हैं फिर, तो चलते हैं आगे की तरफ। आज खाने में पका है, ये दिख नहीं रहा है, लाइट थोड़ा कम पड़ गया, लाइट का पावर ख़त्म हो रहा है। सब्ज़ी बनाए हैं और चावल बनाए हैं, कैंप लगाए हैं, दिख नहीं रहा है, लाइट बहुत कम पड़ रहा है फिलहाल। जल्दी जल्दी खाना खा के सोना है, वरना फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। लाइट बंद हो गया तो फिर दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। सो खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय शिव काली।